शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय दो। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय दो। दाऊद के हेब्रोन में राज्य करने का वृत्तांत। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं। यहोवा ने उससे कहा, हां जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इज़रेली अहिनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल नाम अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया, और दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया, और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। और यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। और दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं। तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा कि यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे, और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। और अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। परंतु नेर का पुत्र अबनेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संगले पार जाकर महनैम में पहुंचाया, और उसे गिलाद, अश्शूरी के देश इज़राइल, एप्रेम, बिन्यामिनी, वरन समस्त इसराइल के देश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इसराइल पर राज्य करने लगा, और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा, और दाऊद के हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष का था। और नेर का पुत्र अबनेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन महनैम से गिबोन को आए। तब सरुयाह का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले, और दोनों दल उस पोखरे की एक एक ओर बैठ गए। तब अबनेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेले। योआब ने कहा, वे उठे। तब वे उठे और बिन्यामिनी अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन किनकर निकले, और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले, और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में भोग दी, और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेल्कथसुरीम पड़ा, वह गिबोन में है। और उस दिन बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, और अबनेर और इसराइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहां तो योआब, अबीश और असाहेल नाम सरुयाह के तीनों पुत्रों थे, और असाहेल बनेले चिंकारे के समान वेग दौड़ने वाला था। तब असाहेल अबनेर का पीछा करने लगा, और उसका पीछा करते हुए न तो दहिनी ओर मुड़ा न बाई ओर। अबनेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असाहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अबनेर ने उससे कहा, चाहे दहिनी चाहे बाई ओर मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अबनेर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊं? तो भी उसने हट जाने को नकारा। तब अबनेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसी मारी कि भाला आरपार होकर पीछे निकला, और वह वही गिर के मर गया। और जितने लोग उस स्थान पर आए जहां असाहेल गिर के मर गया, वहां वे सब खड़े रहे, परंतु योआब और अबीश अबनेर का पीछा करते रहे,
और सूर्य डूबते डूबते वे अम्ना नाम उस पहाड़ी तक पहुंचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गिह के सामने है, और बिन्यामिनी अब्नेर ने पीछे होकर एक दल हो गया और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अब्नेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदायी होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो? योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ कि यदि तू न बोला होता तो निसंदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा न करते। तब योआब ने नरसिंगा फूका और सब लोग ठहर गए और फिर इसराइलियों का पीछा न किया और लड़ाई फिर न की, और अब्नेर अपने जवानों समेत उसी दिन रातोंरात अराबा से होकर गया और यर्दन के पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर महनैम में पहुंचा, और योआब अब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा। और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असाहेल भी नहीं है, परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामिनियों और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उसमें से 360 जन मर गए, और उन्होंने असाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बैतलहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पह फटते हेब्रोन में पहुंचा।